हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। 14 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ आई है वो आई है यहाँ पे प्रोजेक्ट जीरो के बारे में। तो क्या है प्रोजेक्ट जीरो, वो हम देखते हैं। देखो, अभी जो अमेजोन इंडिया है, यानी कि अमेजोन डॉट इन जो वेबसाइट है, कंपनी है, इसने अभी प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च करने की बात है वो की है। क्या है प्रोजेक्ट जीरो? प्रोजेक्ट जीरो का देखो ये प्रावधान किया गया है कि जो ऑनलाइन सेलिंग होती है अमेजोन की साइट्स पे, तो देखो लोगों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा माल है वो ओरिजिनल है और कौन सा माल है वो डुप्लीकेट है। कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि हमें डुप्लीकेट माल है वो भेज दिया, कॉपी प्रोडक्ट है वो भेज दी। तो इन चीज़ों की क्लियरिटी के लिए, यानी कि अमेजोन की वेबसाइट या अमेजोन जो प्लेटफॉर्म है इस पर जो भी फर्जी आइटम है इनको काउंटर करने के लिए, और ओरिजिनल सामान है, ऑथेंटिक सामान है, गुड्स है, वो ही कस्टमर को मिले, इसके लिए प्रोजेक्ट जीरो है वो लॉन्च किए जाने की बात है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो भी कस्टमर हैं अमेजोन के, उन सभी को ऑथेंटिक गुड्स है वो मिलेगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। इसके लिए देखो क्या किया जाएगा, अभी खैर अमेजोन ने वो तो डिक्लेयर नहीं किया है कि अमेजोन इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाएगा, बट जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट होगा उनसे एक पर्टिकुलर कोई स्पेशल कोड वगैरह लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे मतलब प्रोडक्ट की ऑथेंटिकसिटी जाँच की जाएगी। इसी के बाद जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिलीवर है वो किया जाएगा। तो एक तरीके से जो ऑनलाइन शॉपिंग में जो धांधलीबाजी का आरोप रहता है कि भाई कॉपी प्रोडक्ट आते हैं, फर्जी आते हैं, इन सब से निजात मिल जाएगी कस्टमर को। तो काफ़ी अच्छा एक पावरफुल टूल रहेगा जो भी फर्जी आइटम है उनको काउंटर करने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो है वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बारे में UPSC हमें पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में। देखो अभी जो वर्ल्ड कांग्रेस का 6th एडिशन है रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस को लेके, वो न्यू दिल्ली में आयोजित है वो किया गया है। ये इसको होस्ट किया गया है, हम बात करें तो नाबार्ड और एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, और हम बात करें तो हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के द्वारा ही इसको होस्ट है, आयोजित है वो किया गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 6th जो वर्ल्ड कांग्रेस है रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस को लेके, वो कहाँ आयोजित की गई है? इंडिया में। किस किस के द्वारा? नाबार्ड, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन, इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। इस बार की थीम ये रही है रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस क्रिटिकल इनपुट टू अचीव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये किस लिए कांग्रेस आयोजित की गई है वो हम देखते हैं। देखो रूरल एरिया और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्ट्रेस है, जो तनाव चल रहा है, इसको दूर करने के लिए, या फिर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वहाँ पे जो जो कमियाँ हैं हमारे देश में, या और जो पॉलिसियों में काफ़ी सारी कमी रह जाती हैं, कहाँ पे इंडिया को अच्छा काम करना चाहिए, इवन इंडिया ही नहीं बाकी और भी जो कंट्रीज़ हैं इसके मेम्बर हैं उनको कैसे कैसे जो एग्रीकल्चर है इसके लिए पॉलिसी बनानी होंगी, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो रूरल एरिया में किसान हैं, जो फार्मर वगैरह हैं, इनमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है इनको एग्रीकल्चर की वजह से, उनको कैसे दूर करना है, पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी कैसे लेके आनी है, इन सब चीज़ों पे इस पर डिस्कशन है वो की जाएगी। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे डेवलप करने के लिए ये जो कांग्रेस है वो आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है श्रीलंका ने अभी जो मैच फिक्सिंग होती है क्रिकेट की इसको क्रिमिनलाइज कर दिया है। यानी कि अब श्रीलंका का अगर कोई भी खिलाड़ी है वो मैच फिक्सिंग में पाया जाता है तो वो एक क्राइम माना जाएगा और फिर उसके अगेंस्ट एक लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो वो यह चीज़ ध्यान रखना कि साउथ जो एशियन कंट्रीज है ना, इसमें श्रीलंका पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने जो मैच फिक्सिंग होती है इसमें अगर कोई भी मैच फिक्सिंग में खिलाड़ी पाया जाता है तो उसको क्राइम के तौर पे या उसको आप बोल सकते हो कि आरोपी माना जाएगा और उस पर फिर सजा का प्रावधान है वो किया जाएगा। देखो अभी तक हमारे देश में वैसे मैच फिक्सिंग को लेकर कोई प्रॉपर कानून वगैरह नहीं है, बस ये होता है कि उसको खेलने वगैरह की अनुमति नहीं दी जाती कुछ टाइम वगैरह के लिए, बट श्रीलंका में अगर कोई भी अब मैच फिक्सिंग में खिलाड़ी पाया जाता है किसी भी तरह के गेम में तो उसको क्राइमिनल या बोल सकते हो कि क्रिमिनल घोषित है वो कर दिया जाएगा। इसी के साथ कुछ फाइन वगैरह है, पेनल्टी है, वो भी पे करनी होगी। ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। तो UPSC इसी के बारे में पूछ सकती है कि साउथ एशिया है इसमें इंडिया ने भी ऐसा स्टेप वगैरह उठाया है, तो भाई ऐसा नहीं है, श्रीलंका साउथ एशिया की पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने मैच फिक्सिंग को क्राइम है वो डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है आज वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो RTI के अंडर है वो आएगा। देखो थोड़ा हम बैकग्राउंड से चलते हैं, कहाँ कैसे मुद्दा जो स्टार्ट है वो हुआ। तो देखो 2010 की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है उसकी एक ब्रांच ने ये डिसीजन दिया कि भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो CJI है इनका जो ऑफिस है वो भी RTI
राइट टू जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसके दायरे में आना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन है वो सीजीआई के ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि कहाँ कहाँ कैसा काम चल रहा है, कौन कौन से कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड वो वहाँ से प्राप्त की जा सकती है आरटीआई के थ्रू। इसके बाद में देखो थोड़ी कॉन्ट्रावर्सी से क्रिएट हो गई कि काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है वगैरह वगैरह, तो काफ़ी सारी पेटिशंस हैं वो दायर की गई थी और मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया। और सुप्रीम कोर्ट की जो हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देखो यहाँ पे एक फैक्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि जो संविधान संशोधन या संविधान में किसी भी तरीके की बात करनी हो तो उसके लिए बेंच बनाई जाती है, उसमें कितने सदस्य मिनिमम होते हैं। तो देखो जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है तो उसमें कम से कम 5 जज होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है उसके लिए मिनिमम 5 जजों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी और कोई भी जो बेंच बनती है इसमें 3 जज भी हो सकते हैं, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी है तो आपको मिनिमम 5 सदस्य रखने होते हैं, यानी 5 जज होना मैंडेटरी होता है। अब देखो फिर ये मामला जब 5 सदस्य की बेंच के पास गया सुप्रीम कोर्ट में तो अभी वहाँ का डिसीजन ही आया है कि हाँ बिल्कुल सही है, अगर कोई भी मामला हो या कोई भी ऐसा इश्यू हो जिसको लेके चीफ ऑफ इंडिया के ऑफिस को आरटीआई में अंडर लाना है तो वो बिल्कुल आएगा। मतलब कि कोई आम आदमी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कैसे काम वगैरह कुछ भी वहाँ पे हो रहा है। देखो इसमें कुछ गवर्नमेंट ने लिमिट भी रखी है कि काफ़ी कई बार कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जाएंगी, बाकी जो आम जनता के लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है, वो माना जा रहा है कि जुडिशरी ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप है वो उठाया है, जनता का इस पर ट्रस्ट है वो बना रहेगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, FCRA एक्ट। काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा, जब भी कोई एनजीओ का नाम आता है तो FCRA एक्ट न्यूज़ में आ जाता है। देखो वैसे तो जो FCRA एक्ट है ना वो 1980 वाले टाइम पीरियड में आया था, और इस दौरान जो एक्ट आया था FCRA एक्ट उसका प्रावधान ये किया गया था कि भाई हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो बाहर से फंडिंग वगैरह ना ले सकें, ताकि कोई भी हमारे देश में गलत एक्टिविटीज़ ना हो, कोई मतलब कोई भी पॉलिटिशियन है वो बाहर से अगर फंडिंग ले ले और इंडिया में अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो हमारे लिए काफ़ी गलत बात हो जाती है। तो स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने के लिए आया था कि पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बाहर से फंडिंग नहीं ले पाएंगी, बट हुआ क्या धीरे धीरे इसको चेंज किया गया और 2010 में ये लग कर दिया गया इसमें चेंज करके कि जो FCRA एक 2010 है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी एनजीओ वगैरह है ना जो कि बाहर से फंडिंग लेते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए प्रावधान यहाँ पे किया गया कि फॉरेन से जो भी कंट्रीब्यूशन आता है एनजीओ वगैरह को इनको रेगुलेट करने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो यह ध्यान रखना कि जो 42 एक्ट हुआ था 2010 में इसके तहत FCRA एक्ट में चेंजेज हैं वो किए गए। अब एक बात आती है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है बाहरी सहायता, आप सीधा सीधा मतलब ये समझ सकते हो कि विदेशी कंट्रीज़ हैं वहाँ से इंडिया के किसी भी पर्सन को, कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, इसको कोई करेंसी दी जा रही हो या फिर कोई आर्टिकल दिया जा रहा हो या फिर कोई गिफ्ट दिया जा रहा हो या फिर कोई सिक्योरिटी दी जा रही हो किसी टाइप की या फिर कोई और तरह की जैसे कि लालच दिया, लालच का मतलब ऐसे मान सकते हो कि जैसे कुछ पैसे वैसे नहीं दिए गए तो उसे कोई चीज़ गिफ्ट कर दी हो, टीवी वगैरह, या फिर कोई जैसे कि फ़्लाइट की टिकट है वो फ्री कर दी गई हो कि किसी पर्सन के लिए कि भाई आप आ सकते हो, आप घूम सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो इस तरीके की जो मतलब सर्विस हो गई है उनको बोला गया है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो देखो इन चीज़ों को लेके काफ़ी गाइडलाइंस क्लियर की गई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमारे देश में जो एनजीओ है ना इसमें काफ़ी सारे एनजीओ ऐसे देखे गए हैं जो कि हमारे देश की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। अब आपको लगा होगा कि यार एनजीओ डेवलपमेंट को कैसे रोकेंगे? देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। कई बार क्या होता है ये एनजीओ है ना जो बाहरी कंट्रीज होती हैं, जैसे एग्जांपल बताऊं ये मान लो कोई भी XYZ एनजीओ है वो एक्चुअली कनाडा बेस्ड है या कनाडा से उसको फंडिंग मिल रही है, तो मतलब ये एनजीओ है वो कनाडा की जो बातें उनको मानेगा, सीधी सी बात ही है। अब आप ये मान के चलो कि इंडिया यूरेनियम कनाडा से खरीद रहा है, ठीक है, और इंडिया में ही अगर यूरेनियम कनाडा से खरीदा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मान लो कि इंडिया में ही कोई यूरेनियम के रिजर्व मिल गए या फिर इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भाई हम यूरेनियम से एनर्जी कम प्रोड्यूस करेंगे, हम तो हमारे देश में कोई और नया मेथड लेके आएंगे, यानी कि हम तो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज है वो करेंगे, या फिर किसी एरिया में मान लो कि इंडिया में कोई जंगल है वहाँ पे आपको यूरेनियम के रिजर्व मिल गए, तो मतलब हम इंडिया से हम जो सॉरी कनाडा से हम हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम करेंगे यूरेनियम का। तो क्या करेगा ये जो एनजीओ है ये कनाडा की बात मान लेगा और ये एनजीओ इंडिया में क्या करना शुरू कर देते हैं कि भाई आप जंगलों को क्यों काट रहे हो, आप नुकसान पहुंचा रहे हो ये वगैरह, मतलब
हमारे देश की जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं इनको रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कनाडा के इंटरेस्ट हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाता है और काफ़ी सारे एनजीओ ऐसे केसेस में पकड़े भी गए हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इन एनजीओ को रेगुलेट करने के लिए एफसीआर एक्ट है, उसके तहत प्रावधान करती है कि आप ऐसे फंडिंग वगैरह हर किसी से नहीं ले सकते। आप फंडिंग ले रहे हो तो आप पूरा शो करना होगा, डाटा वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है। तो इसके अलावा उसमें अगर और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था नहीं, जो मोटे मोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। हाँ, एक फैक्ट ये रह जाता है कि जो एफसीआर एक्ट है इसको रेगुलेट कौन करती है? मिनिस्ट्री करती है। तो देखो, जो भी एनजीओ वगैरह हमारे देश में रेगुलेट होते हैं वो आते हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी इनको होम मिनिस्ट्री है वो रेगुलेट यहाँ पे करती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे देश में एनजीओ को रेगुलेट है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और इस बार काफ़ी सारे एनजीओ को ब्लैक लिस्ट में भी डाला गया क्योंकि वो हमारे देश की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट काम कर रहे थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है वायु के बारे में। देखो, दिल्ली में एक बार फिर से हेल्थ इमरजेंसी है वो लगा दी गई है क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले एक बॉडी के बारे में डिस्कस किया था, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR है, इसी के अंदर लगभग हमारे देश में 38 के आसपास लेबोरेटरीज हैं और उन 38 लेबोरेटरी में से एक लेबोरेटरी का नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ बेस्ड है? नागपुर बेस्ड है। ये ध्यान रखना कि ये नेरी है किसके अंडर आती है? CSIR के अंडर आती है। कहाँ पे इसका ऑफिस? नागपुर में है। तो इसने क्या है, एक डिवाइस बनाया था, आप देख सकते हो ये ऐसा कुछ डिवाइस है जिसका नाम रखा था वायु। और इस डिवाइस को इसलिए बनाया गया था कि भाई दिल्ली में जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है ना इसको रोकेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो फिल्टर वगैरह लगाए गए हैं वो क्या करेंगे, बाहर से हवा को खरीदेंगे जिसमें PM 2.5 और 10 होंगी, उनको खींच के और फिर अंदर फिल्टर वगैरह की तरह से हेल्प साफ करेंगे, प्योरीफाई करेंगे और उसके बाद में फ्रेश हवा को वापस रिलीज है वो कर देंगे। तो अभी इसी को लेकर न्यूज़ आई है कि ये जो वायु इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे ये ढंग से काम नहीं कर रहे, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो वायु है वो क्या है, किसने इसको स्टार्ट किया था, वो कहाँ पे लगाए जाएंगे। देखो, जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, ट्रैफिक एरिया है या काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में ट्रैफिक चल रहा हो, उन एरियों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लगाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। क्या है न्यूज़? देखो, न्यूज़ ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के जो 17 MLA डिस्क्वालीफाई किए गए थे उन्हीं को लेके कुछ गाइडलाइंस या कुछ पॉइंट है वो जारी किए हैं। क्या है, थोड़ा मुद्दा हम देख लेते हैं। देखो, सीन कुछ ऐसे था कि 17 कैंडिडेट थे कर्नाटका में जो कि कांग्रेस की सीट से जीत के आए थे, और उसके बाद में क्या हुआ, उन 17 कैंडिडेट ने जो 17 MLA थे इन्होंने बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, जो स्पीकर थे लोक मतलब कि वहाँ की विधानसभा के, इन्होंने क्या किया, इन 17 MLA को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि भाई आप अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो, पार्टी के अगेंस्ट वोट दे रहे हो, इसलिए हम आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं। बट इसी के साथ स्पीकर ने और क्या किया, इसी के साथ स्पीकर ने ये किया कि भाई आप 2023 से पहले तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। तो ये मामला गया फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये चीज़ क्लियर की कि देखो, आपने 17 MLA को डिस्क्वालीफाई किया, बिल्कुल सही किया क्योंकि वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहे थे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बट आप ये काम, स्पीकर का काम ये नहीं है कि वो टाइम पीरियड भी डिसाइड करे कि आपको कब तक इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना है। आपका काम केवल डिस्क्वालीफाई घोषित करना है, इलेक्शन लड़ने हैं कब तक नहीं लड़ना ये जिम्मेदारी है वो आगे किसी और डिपार्टमेंट की, आपकी नहीं, आप इसमें हस्तक्षेप ना करो। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ही किसी MLA या MP को डिस्क्वालीफाई है वो घोषित किया जाता है। देखो, एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना, अगर कोई भी MP या MLA को डिस्क्वालीफाई करना है ना, तो उसके लिए जो भी उसका स्पीकर या जो चेयरपर्सन है उसकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कि लोकसभा में है, यानी कि MP की बात की जा रही है, तो लोकसभा में स्पीकर ने डिसीजन दे दिया कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, मतलब वो डिसीजन वहाँ पे फाइनल है। ये पावर किसके पास होती है? लोकसभा में तो स्पीकर के पास रहेगी कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसको नहीं करना। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस पर्सन को डिस्क्वालीफाई है वो करना है। अब ये देखते हैं कि कौन से पैरामीटर के आधार पे इसको जारी है वो किया जाता है। देखो, एक तो ये पैरामीटर होता है, जैसे यहीं पे हम देख लें कि जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस की सीट से जीत गए थे बट उन्होंने बाद में बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया, तो मतलब वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा रहे थे, जिस पार्टी से जीत गए हैं उसके अगेंस्ट जाके वो दूसरी पार्टी में काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये होती है कि मान लो कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार है और वो 6 महीने के बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई है वो घोषित किया जा सकता है।
तो ये कुछ दो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई इनके आधार पे किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ, एक और है छोटा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, वो ये होता है, जैसे ये मान लो कि एक पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है। एक पार्टी में मान लो कि टोटल 100 सदस्य हैं और इन 100 सदस्यों में से 50 सदस्यों ने कहा कि भाई हम तो है ना इस दूसरी पार्टी में जाके मिलेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ये 50 MLA या MP जो भी कह रहे हैं ना कि हम इस पार्टी में जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाएंगे। इसके लिए देखो ये प्रावधान किया गया है कि ये जो एक पार्टी थी इसके कम से कम 2/3 मेंबर तैयार होने चाहिए कि भाई हम दूसरी पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि 100 में से अगर 75 ने ये बोल दिया कि हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाएगा, वो आराम से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। या फिर ये मान लो कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मर्जर हो रहा है, एक ही पार्टी है दूसरी पार्टी है बी, मतलब एक है बी में मर्जर हो रहा है, तो इस दौरान अगर कुछ MLA ऐसे बोल दे भाई हम इसमें मर्ज नहीं होंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे सिंपल में बोलूँ कि जैसे कि ए पार्टी में 100 मेंबर हैं, 100 MP हैं, अगर वो कह रहे हैं 100 में से ये मान दो कि 70-80 ने तो ये बोल दिया कि हाँ भाई हम बी पार्टी में मर्ज होने के लिए तैयार हैं, बट वहीं पे 20 ने बोल दिया कि नहीं भाई हम मर्ज नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन 20 को डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अपनी मेन पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं ना, मेन पार्टी से हटे ही नहीं है। तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे क्लियर रखना है कि कम से कम अगर पार्टी में मर्जर करना है तो 2/3 का मर्जर होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई घोषित हो जाएंगे। अब देखो कुछ थोड़ा बैकग्राउंड की तरफ देख लेते हैं। देखो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, ये इसकी बात आई थी 1967 में। ऐसा क्या हुआ था? देखो हरियाणा के एक MLA थे जिनका नाम था गयालाल, MLA गयालाल। इन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज कर ली। तो आप खुद समझ गए कि एक ही दिन में 3 पार्टी चेंज किया, इसका मतलब ओब्वियसली पैसों के लिए की है। पहले एक पार्टी ने पैसे दिए होंगे, फिर दूसरी उससे ज़्यादा दे रही होगी, तीसरी उससे ज़्यादा दे रही होगी, इस तरीके से इन्होंने पार्टी चेंज है वो कर ली। तो देखो ये काफ़ी बड़ा मतलब एक तरीके से गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो इसके बाद में लगा कि भाई हमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाना होगा और इस तरीके से जो MP MLA वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 10th जो शेड्यूल है वो ऐड किया गया और उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड है वो किया गया। इसमें जिम्मेदारी किसकी होती है डिस्क्वालीफाई करने की? वो जिम्मेदारी होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी जो स्पीकर होता है लोकसभा में वो, और राज्यसभा में चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है वो होती है। बाकी जैसा मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं कि अगर कोई भी वॉलेंट्री तौर पर अगर कोई, हाँ एक फैक्ट ये ध्यान रखना, अगर कोई MP MLA अपनी इच्छा से अपनी सीट छोड़ देता है, जैसे कि मान लो कोई MLA है या MP है वो BJP की सीट से जीत गया है और अपनी इच्छा से उसने सीट छोड़ दी कि हाँ भाई मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ, तो वो डिस्क्वालीफाई घोषित है वो हो जाएगा। या फिर वो अपनी पार्टी गाइडलाइन नहीं मान रहा हो उस कंडीशन में वो डिस्क्वालीफाई है वो हो जाता है। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके हमने सारे पॉइंट है वो यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है तो कम से कम 2/3 में जो मेंबर हैं वो उसके लिए अलाउ, मतलब 2/3 मेंबर हैं वो राजी होने चाहिए कि हाँ भाई हम इस पार्टी में मर्ज हैं वो हो रहे हैं, इस कंडीशन में वो पार्टी मतलब डिस्क्वालीफाई है वो नहीं होंगे। अगर 2/3 से कम हो जाके पार्टी में मर्ज होंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे की गई है। दूसरा पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे कि 2/3 जाके मर्ज हो गए और जो बचे 1/3 हैं वो उसी पार्टी में रहेंगे, तो वो 1/3 है वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो अपनी पार्टी में ही है ना। तो ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट जीरो के बारे में देखा जो कि अमेजोन के द्वारा लॉन्च है वो किया जा रहा है। इसके बाद में हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में जाना जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट की जा रही है। इसी के साथ हमने जाना कि श्रीलंका ने मैच फिक्सिंग को बैन है वो कर दिया है और उसको क्राइम है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो अब RTI के दायरे में आएगा, यानी कोई भी देश का आम नागरिक RTI के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। इसके बाद हमने FCRA एक्ट के बारे में जाना कि जो NGO को रेगुलेट करने के लिए है किस तरीके से ये काम है वो करता है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। इसी के साथ ही हमने वायु इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना जो कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर बेस्ड एक संस्था है, लेबोरेटरी है जो कि आती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत। इसके बाद में हमने जाना एंटी डिफेक्शन लॉ कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ है और कब इसको ऐड किया गया था, ये सारे फैक्ट हमने यहाँ पे कवर किए। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।